सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। एंड आज के इस व्लॉग में हम रिव्यू करने वाले हैं द ऑल न्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 VS6 Phase 2 स्पेशल एडिशन, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया जाता है। इस बाइक के बारे में आज के इस ब्लॉग में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इस बाइक में आपको नॉर्मल वेरिएंट से क्या क्या फीचर एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड उन फीचर्स के लिए आपको कितना प्राइस पे करना पड़ता है, एंड ओवर द कॉम्पिटिशन कौन कौन सी बाइक्स आती हैं, एंड ओवर द कॉम्पिटिशन आपको क्या बेहतर मिलता है इस बाइक में, जिसकी वजह से आपको यही बाइक क्यों लेनी चाहिए। एंड आप भी अगर एक नई बाइक परचेज करना चाहते हो एंड आपकी लिस्ट में भी ये बाइक है और थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है इस बाइक से रिलेटेड, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड देखना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट से मिलते रहें। और थैंक्स फॉर श्यामा सी टीवीएस हु हेल्पिंग मी आउट टू मेक दिस वीडियो। आपको टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो शोरूम की ऑल डिटेल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही होगी, तो आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो या दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट एंड आपको इस बाइक के बारे में सारी जानकारी देते हैं। सो बस ये है हमारी बाइक द ऑल न्यू अपाचे आरटीआर 160 4V 2023 मॉडल BS6 Phase 2, जिसका आज हम आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, मैं इस बाइक के प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में बता देता हूं। तो ये बेसिकली एक ही वेरिएंट में प्रोवाइड की जाती है आपको, जिसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं 1,61,700 ऑन रोड रायबरेली। बाकी इसमें दो कलर ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। अब ये स्पेशल एडिशन है तो इसमें कलर भी थोड़ा स्पेशल ही दिया जाएगा आपको। बेसिकली यहाँ पर आपको पूरी जो बाइक है ये एक मैट ब्लैक कलर में प्रोवाइड की जाती है, जिसमें रेड का काफ़ी सारा एक्शन ऐड किया गया है। इसमें आपको पर्ल व्हाइट का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये बाइक है वो पूरी व्हाइट कलर से दी है, एंड इसमें भी आपको रेड कलर का एक्शन दिया जाता है। बाकी लुक्स एंड डिजाइन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक नजर में देखने में तो कोई भी जो है चेंजेस नहीं दिखेंगे कि मतलब अगर आप नॉर्मल वेरिएंट से कंपेयर करो इसके लुक्स एंड डिजाइन को तो आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फ्रंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको LED हेडलैम्प दिया जाता है, जो कि DRL के साथ आता है। ऑन करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी कूल से DRL आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको इंडियन फ्लैग देखने को मिल जाता है, इधर की तरफ आपका नंबर प्लेट का स्टे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो टर्न सिग्नल मिलते हैं वो आपको हैलोजन मिलते हैं, एंड ये नॉन फ्लेक्सिबल है एंड काफी ज्यादा हार्ड है। फ्लेक्सिबल होते तो और भी बेहतर किया जा सकता था इनको, इनके जो रिलायबिलिटी थी वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। बाकी मडगार्ड आपको फाइबर का प्रोवाइड किया जाता है, देख सकते हैं काफी स्पोर्टी एंड काफी कूल सा मडगार्ड दिया जाता है। यहाँ पे आपको सुपर मोटो ABS की ब्रांडिंग दी जाती है, जिसमें आपको ABS भी प्रोवाइड की जाती है, बट यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS ही दिया जाता है, डुअल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। डिस्क की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको 270mm का जो है पेटल डिस्क प्रोवाइड किया जाता है। अलॉय की पेंट स्कीम आप देख सकते हैं, पूरे रेड कलर से काफी चंकी से अलॉय प्रोवाइड किए जाते हैं। टायर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें 90x90 सेक्शन का जो है टायर प्रोवाइड किया जाता है। फ्रंट में आपको नॉन रेडियल मिलता है, एंड अगर रियर की तरफ आएंगे तो 130x70 सेक्शन का टायर जो है प्रोवाइड किया जाता है, जो कि रेडियल है। 17 इंच के अलॉय के साथ आता है। अलॉय की आपकी डिज़ाइन जो है वो कुछ ऐसी देखने को मिलती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप व्हाइट कलर परचेज करते हो तो उसमें आपको जो है फ्रंट में ब्लैक कलर का अलॉय दिया जाता है, एंड रियर में आपको रेड कलर का अलॉय प्रोवाइड किया जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं TVS की तरफ से, जो कि इंडियन रोड पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। साथ ही साथ इनका जो मेंटेनेंस होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। यहाँ पे आपको कवरिंग भी मिल जाती है, तो डायरेक्टली अगर आपका सस्पेंशन है कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो ये आपकी फोक सील जो होती है उनको काफी हद तक प्रोटेक्ट रखता है। बाकी इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छा से जो क्रैश गार्ड दिया जाता है, जो कि इसके लुक को भी जो है थोड़ा सा खराब नहीं करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में अगर क्रैश गार्ड लग जाता है तो वो काफी वियर्ड सा लुक देता है, बट यहाँ पे TVS ने इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान दिया है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा सा जो आपको क्रैश गार्ड दिया जाता है, जो कि स्प्लिट है, मतलब इधर का पार्ट अलग है एंड उधर का पार्ट अलग है। यहाँ पे आपको जो है इंजन काउल प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पूरे मैट ब्लैक में आता है, एंड यहाँ पे आपको हाइपर एच की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको कैटलिक कन्वर्टर, जो कि इसके काउल से पूरा ज्यादा छुप जाता है। बाकी इंजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें 159.7 CC का ऑयल कूल इंजन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल कूलिंग दिख जाती है, ये रेडिएटर लगा हुआ है इसका। साथ ही साथ जो है यहाँ पे काफी अच्छे फिन्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर जो है एयर कूलिंग भी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके पावर फिगर के बारे में, तो यहाँ पे हमें 17.55 PS का पावर 9250 RPM पर देखने को मिल जाता है, एंड टॉर्क की बात करें तो 14.77 Nm का जो टॉर्क है वो देखने को मिलता है 7250 RPM पर। बाकी चलाने में कैसा है, रिफाइनमेंट वगैरह कैसा है, ये सारी चीजें हम आपको चलाते वक्त बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे BS6 Phase 2 वाला इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से इस बाइक में रिफाइनमेंट एंड काफी सारी चीजें जो है चेंज हो चुकी हैं। बाकी यहाँ पे फुटपैक्स मिल जाते हैं, जो कि रबरिंग के साथ आते हैं। राइडर वाले ही फुटपैक्स आपको रबर कोटिंग के साथ मिलते हैं, पिलियन वाले नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पे अपाचे के काफी अच्छी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके बड़े चेंज के बारे में, तो ये एक स्पेशल एडिशन है, तो पेंट के अलावा जो पेंट स्कीम है उसके अलावा आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो एग्जॉस्ट मफलर है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है इसके स्पेशल एडिशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफी बल्कि सा सिंगल बैरल एग्जॉस्ट जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। पहले वाली जो अपाचे आती थी, जब उसका जो नॉर्मल वेरियंट आता है उसमें आपको काफी
लंबा सा एंड काफ़ी स्लीक सा एग्जॉस्ट दिया जाता था जिसमें आपको डुअल बैरल दिए जाते थे, बट यहाँ पे कंपनी ने चेंज करके पूरा जो है डिज़ाइन ही चेंज कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल बैरल एग्जॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब इसका एक दो बार नोट भी आपको सुना देते हैं कि इसका जो साउंड है वो कैसा रहने वाला है। तो एग्जॉस्ट नोट आपने सुन लिया, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, हेडफोन लगा के सुनना ताकि आपको और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। बाकी अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल जो है वो भी आपको LED प्रोवाइड की जाती है, टर्न सिग्नल आपको हैलोजन प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी स्लीक एंड काफ़ी अच्छी सी जो है डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पे आपका जो है की लगा के आप सीट इसकी ओपन कर सकते हो। बाकी दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर दिए जाते हैं सेफ्टी पर्पज से। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट का स्टे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको एक रिफ्लेक्टर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया से जो है टायर हगर प्रोवाइड किया जाता है जिसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसकी क्वालिटी भी काफी सही रखी गई है। तो यहाँ पे कीचड़ वगैरह आता है तो डायरेक्टली पिलियन तक नहीं जाएगा, आपका टायर अगर सारी चीजें रोक लेगा क्योंकि इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको साड़ी गार्ड प्रोवाइड किया जाता है जो कि एसेसरीज का पार्ट है एंड कंपनी की तरफ से ये आपको इंस्टॉल करके दिया जाएगा। बाकी चेन जो है वो पूरी आपको ओपन देखने को मिल जाती है जो कि स्पोर्ट बाइक में ऑब्वियसली मिलनी ही चाहिए। साइड स्टैंड सेंट्रल स्टैंड दोनों आपको प्रोवाइड किया जाता है। साइड स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे हमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर भी दिया जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम अपनी बाइक का स्टैंड लगाते हैं एंड कहीं पे भी इतनी जल्दी में होते हैं जहाँ पे साइड स्टैंड हटाना भूल जाते हैं, तो अगर आपकी बाइक गियर में है तो वहाँ पे बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होने वाली है। एंड बाय द वे आपने गियर से हटा के जो है बाइक स्टार्ट कर दी एंड साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो जैसे ही आप गियर शिफ्ट करोगे इंजन आपका जो है वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। तो ये काफ़ी सही सेफ्टी फीचर है एंड TVS की जितनी भी बाइक्स है सब में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब आ जाते हैं इसकी सीट की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो है 800 mm की सीट देखने को मिल जाती है। सीट जो है वो आपको पूरी सिंगल दी जाती है बट यहाँ पे बम्प काफ़ी ऊपर दिया गया है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है एकदम स्प्लिट सीट वाला फील आएगा। फैब्रिक की बात कर लेते हैं तो फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सही रखा गया है, देख सकते हैं कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सही है एंड यहाँ पे आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाती है। पूरा पार्ट ब्लैक का है एंड यहाँ पे रेड का जो है थोड़ा सा टेक्सचर दिया गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा कूल दिखने लगी है। फ्यूल टैंक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको काफ़ी बड़ा सा एंड काफ़ी ह्यूज जो है डिज़ाइन बनाया गया है, देखने में लगता ही नहीं है कि 160 cc बाइक का जो है फ्यूल टैंक दिया गया है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 लीटर की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो देखने को मिल जाती है जिसपे आपको थोड़ा रेसिंग फ्लैग देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको 3D में जो है क्रोम फिनिश पे TVS के जो सिग्नेचर है हॉर्स वो देखने को मिल जाता है। बाकी माइलेज की बात करें तो जो कंपनी क्लेम करती है वो 47 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है, बट यहाँ पे अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज सिटी में एंड 45 लीटर पर किलोमीटर का माइलेज जो है आपको हाईवे पे प्रोवाइड कर देती है एंड ये यूजर एक्सपीरियंस है, कोई अपने मन से बात नहीं बता रहा हूं। बाकी अब आते हैं इसके हैंडल बार की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है एकदम स्ट्रेट हैंडल बार दिया जाता है जो कि ब्लैक कलर से प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको पासिंग का स्विच मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे लो बीम एंड हाई बीम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आई बटन है, अब इसका क्या यूज़ है इसको भी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे टर्न सिग्नल मिल जाते हैं, यहाँ पे हॉर्न का जो है नोट देखने को मिल जाता है, मतलब हॉर्न का स्विच है एंड सिंगल हॉर्न का देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लाउड है, एक बार फिर से सुना देता हूँ। बाकी इधर की तरफ मोड का स्विच देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको किल स्विच देखने को मिल जाता है जो कि रेड कलर से है। अब आपको एक स्विच यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट दी हुई है एंड इधर पॉइंट बना हुआ है। तो बेसिकली इस स्विच का यूज़ क्या है, अगर आप बाइक चला रहे हो दिन में आपको DRL जलाने हैं तो इधर की तरफ आप रखोगे तो DRL जल जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे अभी DRL ही जो है जल रहे हैं। बाकी अगर इस स्विच को मैं जो है इधर की तरफ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेडलैम्प जल चुका है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड किया जाता है आपको TVS की तरफ से, TVS की सारी बाइक में जिसमें आपको DRL ऑफर किए जाते हैं, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ लगी। बाकी ये मोड का जो है बटन दिया गया है, इधर आई बटन दिया गया है, इनके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली इस बाइक में आपको जो है स्मार्ट एक्स कनेक्ट दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट, इसका मतलब ये है कि इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, मतलब अगर आप अपनी बाइक को अपने फ़ोन से पेयर कर लोगे तो आपके जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह होंगे वो आपके मीटर कंसोल में दिखाएंगे, साथ ही साथ इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको दिखाता रहेगा, तो ये भी काफ़ी स्मार्ट फीचर है। और इस बटन से अगर आप जो है अपने ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट रखा है अपने फ़ोन से तो यहाँ पे आप जो है आई बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी कॉल करना है, कोई नोटिफिकेशन आया उसको क्लियर करना है या फिर कुछ भी आपको नेविगेशन वगैरह डालना है तो यहाँ पे आप जो है वॉइस असिस्टेंट जो है यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूरा फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। जिसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको जो है टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लॉक भी देखने को मिल जाएगी, एवरेज स्पीड आपकी कितनी रही है इस बाइक में ये भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर भी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ ब्लूटूथ का सिग्नेचर आ जाता है। साइड स्टैंड देखिए लगा हुआ है तो साइड स्टैंड का जो लोगो है वो बन के आ रहा है, हटाऊंगा तो हट जाएगा। बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, यहाँ से आप जो है टॉगल कर सकते हो।
नेक्स्ट सर्विस रिमाइंडर सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। बाकी इधर से आप ट्रॉगल करोगे तो यहाँ पे लैप टाइमिंग, हाई स्पीड मोड कितना रहा है, मतलब हाई स्पीड अभी तक इस बाइक ने कितनी अचीव की है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें, मतलब जितने भी फीचर्स आपको ज़रूरत के होते हैं, एंड ज़रूरत से ज़्यादा 160 सीसी में इस बाइक में इतने फीचर मिल जाते हैं जो कि किसी भी 160 सीसी की बाइक में आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। बाकी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक मोड का ऑप्शन दिया गया है। तो मोड का बटन क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे आपको बेसिकली तीन मोड भी प्रोवाइड किए जाते हैं, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट। अब तीनों मोड को एक्सप्लेन करूं एक शॉट में, तो यहाँ पे रेन मोड में क्या होता है कि अगर आप बारिश है, मतलब वेट सड़कें हैं, तो आप अगर अपनी बाइक को लेके जाते हो तो रेन मोड में डाल दोगे तो वहाँ पे आपका जो ABS है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब आपको कि बाइक जो है वो और भी ज़्यादा पावर कम डिलीवर करेगी, एंड साथ ही साथ आपको जो स्टेबिलिटी है, मतलब जो राइडिंग एक्सपीरियंस है, ब्रेकिंग वगैरह, वो अच्छे से प्रोवाइड कर देती है। अर्बन मोड में क्या होता है, पावर एकदम लीनियर हो जाती है, वहाँ पे आप क्या करते हो कि आपकी जो बाइक है वो माइलेज काफ़ी सही देती है। स्पोर्ट मोड में क्या होता है कि आप जब स्पोर्ट मोड में डालोगे हाईवे वगैरह पे, तो आपको फुल पावर जो है ये पोटेंशियल निकाल के देगी, वहां पे आपका एवरेज तो डाउन होगा बट आपका जो पावर वगैरह है वो एकदम जो है फुल पावर मोड पे चलेगी, तो जिसकी वजह से आपको और भी ज्यादा फन आने वाला है। यहां पे आप देख सकते हैं ABS की लाइट मिल जाती है, यहां पे न्यूट्रल, यहां पे लो फ्यूल इंडिकेटर, यहां पे आप टर्न सिग्नल्स की लाइट भी मिल जाती है। बाकी लो बीम एंड हाई बीम सब चीजें यहां पे आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो बेसिकली जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो 180 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि गुड इनफ है। यहाँ पे आपको जो है किसी तरह से सोचना वगैरह नहीं है, ऑफ रोडिंग वगैरह ले जाते हो या कहीं भी ले जाते हो तो आपकी बाइक अच्छा खासा जो है पोटेंशियल निकाल के दे देती है, ये भी काफ़ी सही चीज़ है। इस बाइक में 180 mm का जो आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाता है। कर्व वेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 144 kg का कर्व वेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से ये बाइक काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड हो जाती है, मतलब आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो, ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा कम है। कि अगर भारी होता है तो सिटी में चलाने में प्रॉब्लम होती है, अगर कम होता है तो हाईवे पे प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे एकदम बीच में रखा गया, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस बाइक को राइड करने में। सो बॉयज, इस बाइक से रिलेटेड फीचर्स ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए हैं, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो, जिस टाइम का हैंडल मेरा डिस्प्ले पे आ रहा होगा, तो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे फॉलो करके DM कर सकते हो, DM में मैं पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा, एंड कमेंट बॉक्स में भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कमेंट में सारे रीड करता हूँ एंड सबको पर्सनली रिप्लाई भी देता हूँ। एंड अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं रैप अप। इसका जो राइड रिव्यू होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो चुका है। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं कर रखा है तो करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड right safe।